Welcome all the students. Today we are starting our third book, okay, which is part second, financial analysis of financial statements. And I'm taking chapter number 2 of this book. Chapter number 2 and 3 both. Okay, in this video I'm taking chapter number 2 and 3 both. Chapter number 3 जिसमें हम comparative analysis जो है वो पढ़ेंगे. Common sense analysis we will discuss it in our next video. So in this video I am taking chapter number 2, that is financial statement analysis, and then I will continue with my chapter number 3, okay, tools of financial statement analysis. So first we are starting our chapter number 2, financial statement analysis. What is the meaning of financial statement analysis? We know that we prepare our financial statement like balance sheet, P&L account, cash flow statement, etc. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल वैल्यूज विच आर सेट आउट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंपेयर दैम एंड टू अंडरस्टैंड दैम इन अ बेटर वे. क्लियर है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल वैल्यू हमने शो की है ना, उन वैल्यू को एनालाइज करना और उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना ताकि हम उनको इजी वे में अंडरस्टैंड कर सके और हम उनका कंपेरिजन भी कर सके. ये ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है. तो फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द डेटा इनटू सिंपलर ग्रुप्स एंड मेकिंग अ कंपेरिजन ऑफ वेरियस ग्रुप टू पिन पॉइंट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस. हमारे जो डेटा है उन डेटा को सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड कर देना और फिर उन ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हुए उनका कंपैरिजन करना ताकि हम अपनी वीकनेस और हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों के बारे में जान सके. ये ही है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ठीक है? वी नो दैट वेरियस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर सेट आउट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट हो गया, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आपका इनकम स्टेटमेंट है, एक्सेट्रा. क्लियर है? बट वी ऑल्सो नो दैट वन थिंग दैट दीज डेटाज आर कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, हमें आसानी से समझ में नहीं आते हैं. तो वॉट वी डू, वी डिवाइड और ब्रोकन इंटू दीज डेटाज इंटू सिंपलर फॉर्म, इंटू सिंपलर डेटाज. हम उनको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे फाइनेंशियल वैल्यू में, इजियर फाइनेंशियल वैल्यू में हम डिवाइड कर देते हैं एंड देन स्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग दीज फाइनेंशियल वैल्यूज. उनके बीच में हम एक जो वेरियस एलिमेंट्स हैं विच आर इंटर रिलेटेड और विच आर द सेम नेचर, हम उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं so that we can know the working or operating efficiency of our financial position of the enterprise. हम अपने working efficiency के बारे में, हम अपने financial position के बारे में एक accurate और सही decision हम ले सके. तो यही क्या है, financial statement analysis है. यानी कि जो आपने financial statement prepare किए हैं उनको पूरी तरीके से study करना, उनकी deep study करना, यही financial statement analysis है. okay? अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने टाइप्स का होता है? तो दे आर फोर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फर्स्ट इज एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? एक्सटर्नल एनालिसिस आर डन बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे पर्सन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, ये उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिसमें आप अपने इन्वेस्टर्स को ले सकते हैं, क्रेडिटर्स को ले सकते हैं, लैंडर्स को लेते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को ले सकते हैं, आपके रिसर्चर्स हैं, इन सबको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ना, आपके एक्सटर्नल यूजर्स के द्वारा जो एनालिसिस किया जाता है, दैट इज नॉन एज एक्सटर्नल एनालिसिस. क्लियर है? ये एक्सटर्नल एनालिसिस उनको वेरियस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस इज डन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. ठीक है? मैनेजमेंट जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, वो दे हैव द एक्सेस टू द डिटेल्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. उनको पूरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, डिटेल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पास में होती है. सो दिस इज डन बाय देम इन देम, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के द्वारा जो किया जाएगा, दैट इज नोन एज इंटरनल एनालिसिस. क्लियर है? फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस क्या है? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस में क्या होता है, इट इज अ रिव्यू और एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ सेवरल ईयर.
मोर देन वन ईयर। जब हम कई सालों के डेटा को एक साथ रखते हैं और फिर उनका उनको एनालाइज करते हैं, उनका कंपेरिजन करते हैं, तो दिस इज नोन एज ओरिजिनल और डायनेमिक एनालिसिस। इसे आप टाइम सीरीज एनालिसिस भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मोर देन वन ईयर के, टू ईयर्स, थ्री ईयर्स के डेटा को वी पुट साइड बाई साइड, वी पुट देम साइड बाई साइड, और फिर हम उसके बाद में हम उनको एनालाइज करते हैं कि लाइक टू ईयर्स बिफोर मेरी रेवेन्यू कितनी थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू में क्या चेंजेस आए, उसके नेक्स्ट ईयर में क्या आए, और करंट ईयर में क्या चेंजेस आए। तो इस तरह से हम वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड, जो ट्रेंड हमारे बिजनेस में आ रहा है, जो चेंजेस हमारे बिजनेस में आए हैं, वो हम इजिली यहां पर उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये हमें प्लानिंग में भी हेल्प करता है। फिर आता है आपका वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस में दिस इज डन, और दिस एनालिसिस इज टू रिव्यू और एनालाइज द फाइनेंशियल डेटा ओनली फॉर वन ईयर। ठीक है, केवल वन ईयर के लिए होता है। वन ईयर के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप करते हो, दिस इज नोन एज ओरिजिनल वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। इसे हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपनी एक ही ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको एनालाइज करते हैं, और उनका कंपेरिजन हम कर सकते हैं। लाइक हम एक ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर हम एक से ज्यादा कंपनी के वन ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये है आपको वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। ओरिजिनल डायनेमिक एनालिसिस में हम अपने कंपेरेटिव स्टेटमेंट को रखते हैं। आप जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट ओरिजिनल एनालिसिस का ही एक एग्जाम्पल है। क्लियर है। इसके अलावा एनालिसिस जो हो सकता है वो इंटरफर्म और इंट्राफर्म भी हो सकता है। इंट्राफर्म एनालिसिस का मतलब है कि कंपनी अपनी ही करंट ईयर की या अपने ही किसी पर्टिकुलर ईयर की ईयर का कंपैरिजन अपने ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ में कर रही है। क्लियर है। सेम इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस जब हम करते हैं, तो दिस इज नोन एज इंट्रा फर्म एनालिसिस। लाइक मैंने अपने 2019 के जो परफॉर्मेंस है उसका कंपेरिजन मैंने किया विद द पास्ट परफॉर्मेंस लाइक 2018-2017 के साथ में, तो दिस इज माय इंट्रा फर्म का एनालिसिस। लेकिन जब मैं अपनी कंपनी का कंपेरिजन, अपने परफॉर्मेंस का कंपेरिजन करती हूँ विद द अदर कंपनीज परफॉर्मेंस विच आर इन सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री, अपने ही जैसे इंडस्ट्री के सेम बिजनेस के साथ में जब अपना कंपेरिजन करती हूँ, तो दिस इज नोन एज इंटर फर्म एनालिसिस। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन से टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। क्लियर है। नाउ आई एम टेकिंग अवर चैप्टर नंबर 3, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द और इवैल्यूएटिंग द फिगर्स और डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजिशन, ऑपरेटिंग एफिशियंसी और लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब कौन कौन से टूल्स होते हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें है हमारे पास कंपेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसमें से हमारे पास में ओनली 4 टूल्स जो है वो हमारे सिलेबस में है जो हमें इस ईयर लर्न करने हैं, वो है कंपेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। तो इन्हें वन बाय वन हम सीखेंगे। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग अवर 2 मेन टूल्स, फर्स्ट इज कंपेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कंपेटिव, सबसे पहले हम कंपेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कंपेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो कंपेटिव स्टेटमेंट आपको नाम से समझ में आ रहेगा, कंपेयर। ये देखिए कंपेटिव स्टेटमेंट अपने नाम में क्या ले रहा है, कंपेयर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग कंपेरिजन बिटवीन द फिगर्स ऑफ 2 और मोर ईयर्स। ठीक है, यहां पर हम किसी भी जो बिजनेस एंटरप्राइज है, बिजनेस कंसर्न है, उसके 2 और मोर ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स का कंपेरिजन कर रहे हैं। क्लियर है। तो फॉर दिस कंपेरिजन वी आर, वॉट डू वी डू, वॉट वी डू, वी पुट द फिगर्स of 2 or more years of balance sheet or statement of P&L side by side। क्या करते हैं हम उसके अंदर, हम 2 या 2 से ज्यादा साल के फिगर्स, चाहे वो बैलेंस शीट के हों, चाहे फिर वो आपके इनकम स्टेटमेंट के हों, उसको हम साइड बाय साइड एक साथ
पुट करते हैं वन बाय वन, एक साथ हम पुट करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस कंपेयर से हमारे सामने उनके चेंजेस आते हैं, चेंजेस जो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ में हम उन चेंजेस को परसेंटेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या करता है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट आर शोइंग द डेटास और फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर टू और मोर इयर्स बाय पुटिंग देम साइड बाय साइड टू मेक टू फैसिलिटेट द कंपेरिजन बिटवीन टू और मोर इयर्स, क्लियर है। और इसके अंदर इट शोज नॉट ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इयर्स बट इट ऑल्सो शोज द चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड एक्सप्रेस द चेंजेस इन द परसेंटेज फॉर्म, क्लियर है। तो आप इसके फॉर्मेट को समझिए, जब आप इस फॉर्मेट को समझेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्पेटिटिव स्टडी, क्यों करनी चाहिए हमें कम्पेटिटिव स्टडी। तो पहली चीज तो देखिए, ये क्या करता है, इट मेक्स द डेटा सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को एक साथ ना एक के बाद एक पुट करते हैं, ताकि हमारे सामने क्या होगा, जब मेरे पास में दो या दो से तीन साल के डेटा एक साथ अवेलेबल होंगे तो मेरे लिए कंपेरिजन करना आसान हो जाएगा। लाइक मैं देख सकती हूँ कि शेयर कैपिटल 2015 में कितनी थी, 16 में कितनी होगी, 17 में कितनी होगी। तो इससे क्या होता है कि मेरे लिए जो डेटाज है उन डेटाज को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है, साथ ही साथ में उनका कंपेरिजन भी मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्लियर है। तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इससे ट्रेंड का पता भी कर सकती हूँ कि मेरे बिजनेस में जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। सेकेंड है टू इंडिकेट्स द ट्रेंड्स, अभी मैंने ऐसे बताया कि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप चेंजेस बता रहे हो कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे अपने फर्म में आने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू लास्ट ईयर की कंपेरिजन में दिस ईयर इंक्रीज हुआ, ठीक है। और उसके भी पहले अगर उससे हम तीन साल का अगर कंपेरिजन करें तो हमने देखा कि तीन साल से मेरा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो रेवेन्यू और अलोंग विद द इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट आल्सो, मेरे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस में ग्रोथ एस्पेक्ट्स जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्लियर है। तो टू इंडिकेट द ट्रेंड्स, थर्ड टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। हम इस कंपेरिजन के थ्रू अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट कर सके और क्या रीजन है हमारी वीकनेस का, उस रीजन को आइडेंटिफाई कर सके और दे कैन टेक करेक्टिव मेजरमेंट्स टू रिमूव दैट वीकनेस, क्लियर है। नेक्स्ट होता है इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, ये मैनेजमेंट को फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अदर इंडस्ट्रीज के साथ में अपना कंपेरिजन करके अपनी परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी वी कैन मेजर आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में जो मेरी जैसे सेम इंडस्ट्री वर्क कर रही है उनकी परफॉर्मेंस के साथ अगर मैं अपने परफॉर्मेंस का कंपेरिजन करती हूँ तो इससे भी मुझे अपनी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करने में हेल्प मिलती है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंस है। नाउ आई एम टेकिंग, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, कंपेरेटिव और कॉमन साइज दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, या तो दोनों दे देंगे आपको चॉइस में या फिर दोनों में से कोई एक आपको दे देगा। तो आपको इसे 100% तैयार कर लेना है, क्लियर है। अगर दोनों चॉइस में आते हैं तो एक के लिए बैलेंस शीट को लिया जाता है, दूसरे में इनकम स्टेटमेंट को लेना जाता है। तो हमें दोनों को बहुत ध्यान से सीखना है और दोनों बहुत ज्यादा सिंपल है। एक कहता है कंपेयर करना, तो जहां कंपेरिजन होगा बट डेफिनेटली मुझे पता चलेगा कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में दिस ईयर जो है मैं इंक्रीज हूं या डिक्रीज हूं, मेरी फिगर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मेरी एसेट्स हैं, मेरी लायबिलिटीज हैं, या मेरा रेवेन्यू है, या मेरी एक्सपेंसेस हैं, दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मेरा प्रॉफिट है लॉस है वो क्या हो रहा है। तो जहां भी कंपेरिजन होगा वहां इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपका फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम होता है आपका पार्टिकुलर्स का, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। उसके बाद में सेकंड कॉलम जो होगा वो होगा आपका नोट नंबर, नोट नंबर जो आपको गिवन है तो आप इसके अंदर फिल करेंगे, अदरवाइज को यू लिमिट यू विल रिमेन इट एम्प्टी, ओके। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में, अब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को पुट करेंगे, ये थर्ड कॉलम है और मैं इसको ए नंबर भी डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका कंपेरिजन करना है किसके साथ में, करंट ईयर के साथ में। तो यहां मैं करंट ईयर की फिगर रख रही हूं, तो
तो ये ए और ये बी, ये कॉलम 1, 2, 3, 4 ओके। नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा हमारे पास में जो एब्सोल्यूट फिगर्स आ रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज। तो मैं ले रही हूं एब्सोल्यूट चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस जो हो सकती है या तो इंक्रीज या फिर हो सकती है डिक्रीज। कैसे पता किया? ए सॉरी बी माइनस ए करके, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को लेस करना है आपको हमेशा, ठीक है। आप करंट ईयर का कंपेरिजन कर रहे हो प्रीवियस ईयर से, तो आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को लेस रखना है। पहले प्रीवियस ईयर पुट करना है, देन करंट ईयर पुट करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को आपको लेस करना है, तो बी माइनस ए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको करना है परसेंटेज चेंज, ठीक है। आपके जो चेंजेस आ रहे हैं वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, यू आर टू एक्सप्रेस दीज चेंजेस इन परसेंटेज फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये आपका सी आ जाएगा, बी माइनस ए क्या हो गया आपका? सी हो गया ना। तो हम डी कैलकुलेट करने के लिए सी डिवाइडेड बाय, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा आपका प्रीवियस ईयर जिससे आपने कंपेरिजन किया है। तो आपको सी में डिवाइड लगाना है ए का और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, आपके सामने आपके परसेंटेज चेंज जो है वो आ जाएंगे। क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो पहले मैं ले रही हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं एक बार आपको बता देती हूँ, उसी फॉर्मेट में आपको अपना बैलेंस शीट बनाना है हमेशा। अगर फॉर्मेट में बना हुआ है बैलेंस शीट तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ने खुद फॉर्मेट बना के दे रखा है, आपको एज इट उसे ले लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने फॉर्मेट बनाकर नहीं दिया है तो आपको फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करना है। तो फॉर्मेट क्या होता है हमारा? तो देखिए, हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक होती है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ये हमारी पहली साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, ओके। और सेकंड जो साइड होती है वो होती है हमारी एसेट्स की। तो मैं यहां ले लेती हूं, सेकंड जो है वो है मेरा एसेट्स। तो मेरी बैलेंस शीट जो है यहां पर देखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में बनानी है, वर्टिकल फॉर्म में नहीं बनानी है, आपको ओरिजिनल फॉर्म में बनानी है। इसलिए पहले हम लिखेंगे अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटीज और देन हम लिखेंगे हमारी एसेट्स। पहले हम इक्विटी लायबिलिटी और एसेट्स बनाते थे, अब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज और कंप्लीट करके एसेट्स लिखेंगे। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका पहला जो होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसमें आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। और सेकंड यहां पर लेना है आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। सेकंड होता है इसमें नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें हम लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। थर्ड आता है आपका करंट लायबिलिटीज का, ओके। तो पहला है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में आती है इक्विटी प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी जिसमें नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों होती है। इक्विटी जो शो करता है आपके शेयरहोल्डर्स फंड को, तो पहला आता है शेयरहोल्डर्स फंड, शेयरहोल्डर फंड जिसमें आती है शेयर कैपिटल विच इज जो इक्विटी भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। सेकंड आता है आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड फिर उसके बाद में आते हैं आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। देन आता है आपका करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज जिसके अंदर आते हैं आपके, फर्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर आता है आपकी ट्रेड पेबल, स्ट्रेट पेबल जिसमें क्रेडिटर्स प्लस बीपी होता है, ठीक है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, दे आर नोन एज ट्रेड पेबल्स, पेबल्स। थर्ड सी आता है आपका अदर करंट लायबिलिटीज, और डी आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो ये तो होती है आपकी लायबिलिटी साइड, यहां ये कंप्लीट होती है तो हम यहां टोटल लगा देंगे, ओके, लायबिलिटी साइड का।
तो ये तो हो गया हमारा लायबिलिटीज पोर्शन. देन सेकेंड आता है हमारा एसेट्स. सेकेंड है आपका एसेट्स. एसेट्स में देखिए पहले आती हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स और सेकेंड आता है करंट एसेट्स. दो में डिवाइडेड है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में पहले आता है आपके पास फिक्स्ड एसेट. कौन सी एसेट्स आ रही है? फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स जो फर्दरली डिवाइडेड है टेंजिबल और इनटेंजिबल में. ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. उसके बाद आते हैं आपके पहला है फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स इज डिवाइडेड टेंजिबल इनटू एंड इनटेंजिबल. देन सेकेंड आता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और थर्ड आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दे रखे हैं. ओके okay? ठीक है. अब आती है आपकी टू. नंबर टू में आता है आपका करंट एसेट्स. करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जिसमें आती है आपकी बहुत सारी एसेट्स. लाइक फर्स्ट आता है आपका पास में करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट्स. ओके. सेकंड आते हैं आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल्स. सेकेंड है आपके पास में पहले इन्वेंट्री. फिर थर्ड आता है आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ. पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, सेकेंड है इन्वेंट्रीज, थर्ड है आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ आते हैं आपके पास में कैश एंड कैश इक्विलेंट्स. ठीक है, फिफ्थ आते हैं आपके पास में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. और लास्ट सिक्स आते हैं आपके पास अदर करंट असेट्स. ओके, तो ये है आपका एसेट साइड जो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स जिसके अंदर हम लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को. फिक्स्ड एसेट्स जो वो है टेंजिबल और इनटेंजिबल में डिवाइडेड है. फिर आते हैं हमारे करंट एसेट्स. करंट एसेट्स जिसमें आते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हमारे ट्रेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स, हमारे अदर करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री. तो इन सबको मिलाकर बनता है हमारा यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिख लीजिए. ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेट. अब हम इस फॉर्मेट की हेल्प से अपना बैलेंस शीट कंपेरेटिव स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाना सीखेंगे. नाउ आई एम टेकिंग एन इलस्ट्रेशन फॉर प्रिपेयरिंग कंपेरेटिव स्टेटमेंट एंड दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 3.7 इन योर बुक. And in this question, balance sheet of X Limited has been given and we are to prepare comparative balance sheet. In balance sheet, there are two years figure 2020 का और 2019 का. Okay? तो हमें बनानी है balance sheet. तो हम prepare करेंगे अपना comparative balance sheet. कंपेरेटिव बैलेंस शीट जो मुझे बनानी है 31 मार्च 2020 को और 2019 की. तो एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2020. ओके, तो 31 मार्च 2019 और 2020 का हमें बैलेंस शीट बनाना है. इन दिस सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं पार्टिकुलर्स. देन हमारा नोट नंबर. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आते हैं
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने जो आपको प्रोवाइड किया है तो क्वेश्चन ने 2020 आपको पहले दिया और 2019 बाद में दिया, लेकिन आपको जब कम्पिटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहले प्रीवियस ईयर लेना है देन आपको करंट ईयर लेना है। तो सबसे पहले हमें 31 मार्च 2019 की फिगर लूंगी, 31 मार्च 2019, तो ये मेरा ए कॉलम है। ओके, देन आई विल टेक 31 मार्च 2020, ये मेरा बी कॉलम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का कंपेरिजन करना है और कंपेरिजन करके एब्सोल्यूट चेंजेस निकालने हैं जो या तो हो सकता है इंक्रीज या फिर हो सकता है डिक्रीज। ये आपने कैसे निकाले, बी माइनस ए करके, आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर लेस करना है। फिर अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, ये आपका सी कॉलम है, ये हमने निकाला सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। आपको अपने चेंजेस में डिवाइड लगाना है अपने प्रीवियस ईयर का और आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है। ईच एंड एवरी अमाउंट के लिए आपको यही करना है, द चेंजेस विल बी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। ओके, अब यहां पर मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ने जो प्रोवाइड किया है वो दिया है मुझे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फॉर्मेट गिवन है इसलिए मुझे, मैं उसी फॉर्मेट पे बना रही हूं। अगर फॉर्मेट गिवन नहीं है तो आपको याद रख के बनाना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले है मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंदर मेरे पास में है इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल आपको ध्यान से ध्यान देखिए 2019 में पहले लिखना है, तो 2019 का जो फिगर है वो है 12 लाख और 2020 का जो है वो है 18 लाख। ठीक है, तो 12 लाख से आपका फिगर 18 लाख पहुंच गया है, आपका इंक्रीज हो गया है 6 लाख से। क्लियर है, अब दिस अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय दिस, आपको अपने इस चेंज में अपने 12 लाख का डिवाइड लगाना है, यानी आपको करना है 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा 50%। आगे समझ में, आपको हर बार ऐसे ही करना है। अब ये आपको रफ में करके देखना है, यहां आपको सीधे बस परसेंटेज ही प्लेस करने हैं। समझ में आ गया, यहां कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है, कैलकुलेशन आप रफ में करेंगे, यहां तो सीधे सीधे चेंजेस और उनका परसेंटेज ही आपको दिखाना है। सेकंड थिंग जो मुझे गिवन है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में मेरे पास में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है 8% डिबेंचर्स। ठीक है, अब 8% डिबेंचर लास्ट ईयर थे 6 लाख के, दिस ईयर भी है 6 लाख के, तो 6 लाख पिछले साल था, 6 लाख इस साल है, तो यहां पर नो चेंज नो परसेंटेज, कोई चेंजेस हमारे पास नहीं है तो परसेंटेज भी नहीं है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज, थर्ड पॉइंट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में मेरे पास में है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स लास्ट ईयर ट्रेड पेबल्स है 3 लाख के, दिस ईयर ये है 6 लाख के, तो आपका क्या हो गया, आपका 3 लाख इंक्रीज हो गया है। ठीक है, आप परसेंटेज निकालेंगे तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे 100% आएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे 100% आएगा। क्लियर है, ये मेरी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है, तो अब मुझे करना है टोटल। ठीक है, तो आपको टोटल भी कंपेयर करना है, आपको सिर्फ फिगर से कंपेयर नहीं करनी, टोटल भी कंपेयर करना है। तो लास्ट ईयर का जो टोटल शो हो रहा है वो है 21 लाख और ये है आपका 30 लाख। तो आपको क्या करना है, देखिए आप कभी भी ये मत कीजिएगा, आपको
टोटल को भी टोटल से कंपेयर करना है तो 21 की कंपेरिजन में 30 लाख यानी कि हमारा 9 लाख इंक्रीज हो गया। तो आपको दिख रहा होगा 6+3 9 लाख इंक्रीज हो गया, लेकिन परसेंटेज में आप ये मत कीजिएगा 50+100, ये नहीं करना है आपको। आपको यही करना है 9 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। क्या किया मैंने, 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो आपका परसेंटेज आएगा वो आएगा 42.86। आगे समझ में, टोटल करने की गलती मत कीजिएगा। टोटल अमाउंट का आपको इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है और फिर उसी का प्रीवियस ईयर में उसमें प्रीवियस ईयर का डिवाइड लगा के आपको परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। डन। तो ये हो गई मेरी लाइब्रेरी साइट कंप्लीट। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं हमारी सेकेंड जो है मेरे पास एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट नंबर पे नॉन करंट एसेट्स है जिसमें फिक्स एसेट्स में टेंजिबल है। तो मैं ले रही हूं नॉन एसेट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो डिवाइडेड है फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। तो फिलहाल मेरे पास में सिर्फ फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल है। ओके तो मुझे फिक्स एसेट टेंजिबल जो गिवन है, लास्ट ईयर ये है 15 लाख की और दिस ईयर ये है 18 लाख का। तो यहाँ पर 3 लाख क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ओके आप 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो आप पता चल ही रहा होगा 20% आपका आ गया। नेक्स्ट आ रखा है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मेरे पास में दो एसेट्स आ रही हैं। एक आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स और सेकंड जो है वो है मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स का लास्ट ईयर का जो अमाउंट है वो है 5 लाख और दिस ईयर का जो अमाउंट है वो है 10 लाख। 5 से 10 है तो इसका मतलब 5 लाख इंक्रीज हुआ है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का डिवाइड लगाना है। ओके इसी तरीके से मेरे पास लास्ट ईयर कैश इक्विवेलेंट था 1 लाख, दिस ईयर ये है 2 लाख, इंक्रीज हो गया 1 लाख, परसेंटेज भी आ रहा है आपका 100। तो आपको 100+100+20 नहीं करना है, टोटल को टोटल से कंपेरिजन करेंगे तो हम देखते हैं टोटल जो है इसका टोटल है 21 लाख और इसका टोटल है 30 लाख। डिफरेंस आ रहा है आपका 9 लाख, परसेंटेज आएगा आपका 42.66 जो आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। जो लाइब्रेरीज का टोटल होता है वही आपके एसेट्स का टोटल होता है। तो ये आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरी बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारा कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कुछ नहीं करना है, दो ईयर्स की फिगर्स गिवन है, प्रीवियस ईयर को पहले रखना है देन करंट ईयर को रखना है साइड बाय साइड। उसके बाद में करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कंपेरिजन करके देखना है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है वो आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद भी इस इंक्रीज और डिक्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस माना जाएगा वो हमेशा आपका प्रीवियस ईयर होगा। आप हमेशा प्रीवियस ईयर का ही डिवाइड लगाएंगे, हर आइटम में उसी के प्रीवियस ईयर की वैल्यू का डिवाइड लगाया जाएगा। ओके लाइक शेयर कैपिटल के अंदर प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल का लगेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में प्रीवियस ईयर की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का लगेगा। यहां पर मेरे पास कोई भी फिगर जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज होता, ठीक है, मान लीजिए आपकी जो ये शेयर कैपिटल है ये 12 लाख की जगह 10 लाख होती, ठीक है, तो 2 लाख डिक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर 12 लाख था, दिस ईयर 10 लाख है, 2 लाख डिक्रीज। तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको उस डिक्रीज अमाउंट को ब्रैकेट में प्लेस कर देना है और उसकी परसेंटेज को भी ब्रैकेट में, बस इतना सा काम करना आपको, यानी नेगेटिव शो करना है आपको। तो हम यहाँ एब्सोल्यूट चेंजेस ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव तो शो कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट के थ्रू शो कर दिया है कि यहाँ पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये है आपका कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इट्स वेरी वेरी सिंपल, 4 मार्क्स का आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा और आप इजिली 4 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको कंपेरिजन करना है दो ईयर्स की फिगर्स का,
इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट कैलकुलेट करनी है। करंट ईयर का कंपेरिजन करें तो देखना है कि करंट ईयर में लास्ट ईयर के मुकाबले हम इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज को प्रीवियस ईयर का डिवाइड लगाते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया आपका। जैसे हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाया ठीक वैसे ही हमें बनाना है अपना कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो कैलकुलेट करता है आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, सेम इसी वे में हमें ये करना है। हम लास्ट ईयर की रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को प्लेस करेंगे, करंट ईयर की रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को प्लेस करेंगे, ठीक है। देन कंपेरिजन करके हम लोग अपना क्या कर लेंगे, अपना इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और साथ ही साथ में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते जाएंगे। बस वहां एक ही चीज एक्स्ट्रा है कि क्वेश्चन ये चाहता है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो आप खुद कैलकुलेट करें, तो वहां पर आपको प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन भी कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट। तो मैं इस फॉर्मेट को चेंज नहीं कर रही हूं, फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। बस अब बैलेंस शीट की जगह मुझे बनाना है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट एज इट नहीं होता है, फॉर द ईयर होता है। तो आई एम टेकिंग, ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 5, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3.14, ओके। और इसके थ्रू हम बनाएंगे अपना कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो मैं बना रही हूं कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। ईयर गिवन है मुझे अगेन 2019 एंड 20, तो 2019 एंड 2020, ओके, क्लियर है। फॉर्मेट बिल्कुल वही चल रहा है हमारा, वही हमारा, हमें नोट नंबर डालना है, पर्टिकुलर्स डालने हैं, 1920 की फिगर रखनी है, चेंजेस निकालने हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ओके। अब यहां पर आप जब पीएनएल बनाएंगे, ठीक है, या इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इस इनकम स्टेटमेंट में जैसे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट था वैसे ही आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी फॉलो करना है। वो फॉर्मेट क्या है, देखिए, इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है, इनकम स्टेटमेंट शो करता है आपकी रेवेन्यूज और आपकी एक्सपेंसेस, कि आपके पास कहां कहां से इनकम आई और आपने क्या क्या एक्सपेंसेस किए, दोनों का डिफरेंस जो है वो शो कर देगा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसपे अभी तक आपने टैक्स चार्ज नहीं किया है। अब अगर क्वेश्चन आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उस प्रॉफिट में से आप टैक्स लेस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बस यही करना है आपको, क्लियर है, फिर कंपेरिजन हम करेंगे, ओके। तो मैं एक बार इसका फॉर्मेट आपको बता देती हूँ, फिर हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, आपका पहला चीज जो होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपने कितने का सेल किया, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें आपको एड करना है अदर इनकम, बस रेवेन्यू के नाम पे, इनकम के नाम पे आपको ये दो ही चीजें मिलने वाली है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। तो ये आ जाएगा आपके पास में आपका टोटल रेवेन्यू, या फिर आप कह सकते हैं यस टोटल रेवेन्यू, जो मैंने कैसे निकाला, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके। फर्स्ट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, सेकंड में अदर इनकम लिया, दोनों को टोटल कर दिया, टोटल रेवेन्यू मेरे सामने आ गई। अब इस टोटल रेवेन्यू का कंपेरिजन करना है मुझे टोटल एक्सपेंसेस से, तो पहले मैं अपने जो जो एक्सपेंसेस गिवन है उन एक्सपेंसेस को लिखती जाऊंगी, देन उनको टोटल करूंगी और फिर कंपेरिजन करूंगी। तो अब मेरा जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है मेरा एक्सपेंसेस। अब यहां पर एक्सपेंसेस में देखिए आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास में हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड हो सकता है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, थर्ड आपके पास में होगा चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री, चाहे वो फिनिश गुड्स की हो, चाहे वो रॉ मेटेरियल की हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस की हो, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, ये आपको चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से ही मिलेगा। उसके बाद में आते हैं आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आ रहा आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद में आते हैं आपके पास फाइनेंस कॉस्ट,
फिर आता है आपके पास में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और आपके पास हो सकते हैं अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। और लास्ट हो सकता है आपके पास अदर एक्सपेंसेस। तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। अब इन सबको आप एड कर लेंगे तो यहां पर आपको इतने सारे एक्सपेंसेस नहीं देगा, इनमें से दो या तीन आपको एक्सपेंसेस देगा, आपको बस उन्हें लिखना है और टोटल कर देना है। तो ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आ गया आपका फिफ्थ कॉलम, ठीक है। अब नहीं, ये आपका टोटल एक्सपेंसेस है। अब आप लेंगे फिफ्थ कॉलम, जहां पर आप कंपेरिजन करेंगे इस थर्ड कॉलम का, ये जो आपकी टोटल रेवेन्यू आई थी ना, इस टोटल रेवेन्यू का टोटल एक्सपेंसिस से, इससे कंपेरिजन करेंगे। यानी कि जो फिफ्थ आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कर रहे हो थर्ड माइनस फोर्थ, समझ में आ गया। तो आपका जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बट बिफोर टैक्स, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट आया वो कौन सा आया, बिफोर टैक्स। आपने कैसे निकाला, आपने थर्ड में से फोर्थ को लेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके आगे का मैं यहां ले लेती हूं। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मेरा फिफ्थ नंबर पे, जो मैंने थर्ड माइनस फोर किया। अब मुझे इसमें से क्या करना है, सिक्स नंबर पे लेस करना है टैक्स, टैक्स जो मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही टैक्स आप लेस करेंगे आपके सामने आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये है बस आपका, आपने क्या किया, आपने अपनी रेवेन्यू का कंपेरिजन, अपने टोटल रेवेन्यू का कंपेरिजन टोटल एक्सपेंसेस से किया। जैसे ही आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का कंपेरिजन करते हैं आपके सामने आपकी प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट जिसपे अभी तक आपने टैक्स चार्ज नहीं किया है। इसके बाद में क्वेश्चन आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप प्रॉफिट में से टैक्स लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपका क्या पास में यहाँ पे क्या एडिशनल स्टेप है, आपके पास एक एडिशनल स्टेप ये है कि आपको दोनों ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना होगा, ठीक है। फिर आपको कंपेरिजन करना है, जहां पे आप रेवेन्यू का रेवेन्यू से, एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस से कंपेरिजन करेंगे और प्रॉफिट का भी कंपेरिजन आपको यहाँ पर करना है। चलिए अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास इनकम के नाम पे दो ही आएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ठीक है। एक्सपेंसेस आपके पास में कितने आ सकते हैं, थ्री और फोर, मैक्सिमम थ्री और फोर देगा आपको, उससे ज्यादा नहीं देगा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दो ही इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दोनों को एड करना करके टोटल रेवेन्यू से ही कंपेरिजन करना है। तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर फाइव कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फाइव में मुझे क्वेश्चन ने दिया है, मेरे पास 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 की इन्फॉर्मेशन है, जहां पर मेरे पास तीन ही इन्फॉर्मेशन है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एक एक्सपेंसेस है और एक अदर इनकम है। तो सबसे पहले मुझे लिखना है अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये 19 में है 10 लाइन, ध्यान से लिखना है आपको, कहीं 19 में 20 और 20 में 19 का फिगर नहीं लिख देना। और 20 में है 15 लाख, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको पूरा कंप्लीट करूंगी। सेकंड, मुझे यहाँ पे अदर इनकम गिवन है तो मैं ऐड कर रही हूँ अदर इनकम। अदर इनकम जो है मेरे पास में फॉर द लास्ट ईयर 2 लाख और इन करंट ईयर ये है 1,80,000 का, ठीक है। तो ये लीजिए मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया। पहले मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी उसके बाद में कंपेरिजन स्टार्ट करूंगी। तो टोटल रेवेन्यू के लिए मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया है 12 लाख इन 2019 एंड 16,80,000 इन 2020।
अब हम करेंगे अपने एक्सपेंसेस। तो मेरे पास ये देखिए एक्सपेंसेस के नाम पे सिर्फ एक्सपेंसेस ही गिवन है, कोई इसका कैटेगरी गिवन नहीं है। तो एक्सपेंसेस में मेरे पास में आ रहे हैं 2 लाख के एक्सपेंसेस, 6 लाख के एक्सपेंसेस 2019 में, और 10,50,000 के एक्सपेंसेस हैं 2020 में। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मुझे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मैंने निकाला 3rd - 4 करके, यानी कि रेवेन्यू में से मुझे एक्सपेंसेस लेस करने हैं। तो चलिए प्रॉफिट निकाल देते हैं। 12 लाख रेवेन्यू है, 6 लाख आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं, तो आपका प्रॉफिट जो आता है वो 6 लाख है। 16,80,000 की रेवेन्यू में से 10,50,000 जो है वो आपका एक्सपेंसेस हो गया, तो ये आपके पास 6,30,000 है, हो गया। अब यहाँ पर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। अब मुझे फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है। तो लीजिए पहला काम मैंने कर दिया है, जो क्वेश्चन ने मुझे नहीं दिया था मुझसे करवा रहा है प्रॉफिट का कैलकुलेशन, वो मैंने कर लिया है। अब मैं अपना कंपेरिजन स्टार्ट करती हूँ। तो हर अमाउंट को कंपेयर करना है। तो लास्ट ईयर मेरे रेवेन्यू थी फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, दिस ईयर ये 15 लाख है, तो पूरा 5 लाख इंक्रीज हो गया है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 50% आ गया, ठीक है। उसके बाद में मेरा रेवेन्यू अदर इनकम 2 लाख था, बट अब इस करंट ईयर में 2 लाख से 1,80,000 रह गया है। इस बार आपका 20,000 डिक्रीज हुआ है, बस मैं इसे ब्रैकेट में ले लूंगी। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 10 आ गया, आ गया। इसे भी आप ब्रैकेट में शो करेंगे। उसके बाद में आते हैं आपका टोटल रेवेन्यू। लास्ट ईयर 12 लाख था, दिस ईयर 16,80,000 है, तो इसका मतलब मेरा 4,80,000 इंक्रीज हुआ है। तो आप वो भी ये भी देख सकते हैं कि 5 लाख में से 20,000 कम कर दीजिए, 4,80,000 आ रहा है। ओके, कैसे भी चेक कर लीजिए, सेम अमाउंट आ रहा है। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 40%, ठीक है। इसे आप यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50% इस रेवेन्यू में से 10% रेवेन्यू जो है मेरा डिक्रीज हो गया है, तो मेरे पास कितना फाइनल रह गया है 40। यहां आप कर सकते हैं ऐसा। ओके, अब आते हैं हम एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 6 लाख थे, दिस ईयर 10,50,000 है, तो इसका मतलब मेरे 4,50,000 के एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। अब 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये आता है आपका 75%। क्लियर है? 75% हो गया आपका। अब हम प्रॉफिट का करते हैं। प्रॉफिट लास्ट ईयर 6 लाख शो हो रहा था, दिस ईयर 6,30,000 है, तो मेरा फाइनल प्रॉफिट जो आ रहा है वो इंक्रीज हुआ है, वो 30,000 से हुआ है, वो आपको यू भी दिख रहा है। 4,80,000 से 4,50,000 ला सके, देख लीजिए 30,000 आ रहा है। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है आपका 5% आएगा, ओनली 5। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ईच अमाउंट का कंपैरिजन उसके प्रीवियस अमाउंट से करना है, और उसी का डिवाइड लगा के आपको अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी आपको यही करना है, वहां आप ये मत कर दीजिएगा ऐसा नहीं होगा। रेवेन्यू में हो सकता था सिर्फ, क्योंकि वहां टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हो आप, लेकिन जब प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हो तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में आपको प्रॉफिट की जो अमाउंट्स है उन्हीं का कंपेरिजन करना है, और उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये लीजिए, ये रहा आपका कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड प्रोपेंडल अकाउंट। आगे समझ में? तो आप ये है आपका कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव प्रोपेंडल। अगेन आई एम टेकिंग एन अनदर इलस्ट्रेशन, जहां पे मैं 2-3 और एक्सपेंसेस लेती हूँ और फिर क्लियर करती हूँ कि कैसे हमारा कंपेरेटिव प्रोपेंडल बनता है। तो नाउ आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 12, क्या इलस्ट्रेशन नंबर 12, जहां पर मुझे 2 और 3 एक्सपेंसेस भी गिवन है, साथ ही साथ में टैक्स रेट भी गिवन है, ठीक है। तो नाउ वी विल मेक कंपेटिव स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन। यहां पर मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 3.18 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम गिवन है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दीज आर माई इनकम्स। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपका पहला एक्सपेंसेस है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका दूसरा एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस, ये आपका थर्ड एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस जो है वो इस बार आपको अमाउंट में ना देकर परसेंटेज में दे रखे हैं, और वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि जितना आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है ना, उसका परसेंटेज आपको लेना है।
लाइक 20% आपको यहाँ पर गिवन है, तो आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी उसका 20% आपको यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पहली इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की ही है। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो है लास्ट ईयर है 24 लाख और करंट ईयर में है 30 लाख। तो 24 लाख 30 लाख। फिर मुझे दे रखी है अदर इनकम, तो मैंने ले लिया। ऐड करेंगे हम अदर इनकम को और ये मेरे पास आ जाएगी मेरी टोटल रेवेन्यू। अदर इनकम लास्ट ईयर 4 लाख और दिस ईयर 6 लाख। तो ये आ गई आपके पास 28 लाख और 36 लाख। ठीक है, तो ये आपकी टोटल रेवेन्यू आ गई। अब हम एक्सपेंसेस लेंगे, तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले है मेरे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है वो है हमारे पास लास्ट ईयर 8 लाख और दिस ईयर ये है हमारा 10 लाख। सेकेंड एक्सपेंसेस है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस ये है लास्ट ईयर 1 लाख एंड दिस ईयर 2 लाख। ओके, थर्ड जो है वो है आपके पास अदर एक्सपेंसेस। अभी जो अदर एक्सपेंसेस आपको गिवन है ना, ये गिवन है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कि जितना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है उसका 20% आपके एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कहीं दे ही नहीं रखा, यानी कि पहले आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आपको उसका जो परसेंटेज है वो निकालना है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं हम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, यानी जिसे आप परचेजेस कहते थे ना। ठीक है, परचेजेस जिसमें हम परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते थे। तो याद था आपका कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में आपको प्लस करना है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री और प्लस करने हैं आपको जो आपका यस आपके पास दो ही है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम और चेंज इन इन्वेंट्री। ओके, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का मतलब है कि आपने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया। तो हमारे पास में कॉस्ट के नाम पे मैटेरियल कंज्यूम और इन्वेंट्री दो ही हैं, तो यह हम निकालेंगे और उसका 20% दोनों ही ईयर में 20% है, इसे दोनों ईयर में हम 20% निकालेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम आ रही है प्रीवियस ईयर में वो 18 लाख आ रही है, 8/9 लाख आ रही है। ठीक है, 9 लाख का 20% कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1,80,000। तो प्रीवियस ईयर में हमने निकाल लिया 20% ऑफ 9 लाख। ओके, ऐसे ही हम यहाँ निकालेंगे 20% ऑफ 12 लाख। 12 लाख का 20% कितना हो गया, 2,40,000। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया अपना अदर एक्सपेंसेस। आपको जिसके ऊपर भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, कई बार ये आपको यू भी दे सकता है कि अदर एक्सपेंसेस आर 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू या 20% ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो जैसे आपसे कहा जाए आपको उसी को दिमाग में रखते हुए अपना कैलकुलेशन करना है बस। अब हम निकालेंगे अपना प्रॉफिट, तो फिफ्थ में निकाल रही हूं प्रॉफिट। बट ये कौन सा प्रॉफिट है आपका, बिफोर टैक्स। कैसे निकालेंगे, थर्ड यानी कि टोटल रेवेन्यू में से फोर्थ यानी कि टोटल एक्सपेंसेस को। अच्छा, मैंने टोटल एक्सपेंसेस किए नहीं है, अभी पहले टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे हम। टोटल एक्सपेंसेस, तो पहले हम देखते हैं हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 8/9, 9/10। 10,80,000, 10 + 2, 12/2, 14,40,000। तो आपकी रेवेन्यू कितनी है, 28 लाख। एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,80,000।
थाउजेंड. इस 28 लाख का कंपेरिजन 10,80,000 से करेंगे और अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे. तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर. ठीक है, 28 लाख में से 10,80,000 आप रिड्यूस करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 7,20,000. ठीक है, ये आ गया आपके पास 17,20,000. 28 माइनस 10, यस 17,20,000. यहाँ पर 36 लाख में से 14,40,000 आप लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 21,60,000. ओके, तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 17,20,000 इन प्रीवियस ईयर, 21,60,000 इन योर करंट ईयर. इस बार क्वेश्चन में आपको टैक्स भी गिवन दी है, टैक्स रेट आपको दे रखा है. तो आपको क्या करना है, आपको अपना टैक्स इस पे चार्ज करना है. तो अब हम करेंगे लेस टैक्स. टैक्स जो है वो दोनों ईयर में 40-40% है. आपको ध्यान से देखना है कि दोनों ईयर का रेट क्या है, जिसका जो रेट है उतना ही परसेंटेज आपको टैक्स चार्ज करना है. फिलहाल हमारे पास दोनों का 40% है तो हमें लेस करना है टैक्स 40%. 40% ऑफ 17,20,000, जितना प्रॉफिट आता है ना उसी का 40% आपको चार्ज करना है. तो प्रीवियस ईयर में आपको लेना है 40% ऑफ 17,20,000 जो आता है 6,88,000, और करंट ईयर में लेना है 40% ऑफ 21,60,000 जो आएगा आपका 8,64,000. आ गया. अब हम निकालेंगे हमारा 7th point प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. टैक्स को जैसे ही लेस करते हैं हमारे सामने हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है. तो 17,20,000 का प्रॉफिट था, 6,80,000 आपका टैक्स कट गया, आपके पास रह गया है 10,32,000. इसी तरह से 21,60,000 आपका प्रॉफिट आ रहा था 2020 में, 8,64,000 आपने टैक्स चार्ज कर लिया, आपके पास आ गया 12,96,000. आ गया. तो पहला स्टेप कंप्लीट. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, यहां पर हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन करना था तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लिया बाय कंपेयरिंग टोटल रेवेन्यू टू टोटल एक्सपेंसेस, फिर उसमें से टैक्स चार्ज करते ही हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. अब हमारा कंपेरिजन स्टार्ट होता है. तो फटाफट करते हैं, 24 लाख से 30 लाख, ये 6 लाख इंक्रीज हो गया है. 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, 25% आता है. 6 लाख 4 लाख से 6 लाख हो गया, यहाँ पर 2 लाख इंक्रीज हो गया है. तो इसका मतलब जो आपका है 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 50%. 28 से 36 लाख हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि पूरा 8 लाख इंक्रीज हो गया है. 8 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आप आ जाएगा 28.57. ठीक है, ये तो हो गया अपना रेवेन्यू का. अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ. 8 लाख से 10 लाख हो गया है, 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख हो चुका है, 1 लाख इंक्रीज, 1,80,000 से 2,40,000 हो गया है, 60,000 इंक्रीज. ओके, अब इनका हम परसेंटेज निकालेंगे. 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो ये हो गया आपका 25%. 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये हो गया आपका 100%. 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, तो ये आ जाएगा आपका 33.33. ओके, अब हम करेंगे 10,80,000 से 14,40,000 हो गया है, तो फाइनल जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 3,60,000, जो दिख रहा है 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 33.33. ओके, फिर हम करेंगे 17,20,000 से 21,60,000 हो गया, तो यहाँ पे भी इंक्रीज ही आ रहा है 4,40,000. दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 25.58. 8,68,000 से 8,64,000 हो गया है, तो आपका इंक्रीज हो गया है 1,76,000. दिस डिवाइडेड बाय प्रीवियस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा आपका अगेन 25.58. अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,32,000 से 12,96,000 हो गया है, इसका मतलब हमारा 2,64,000 इंक्रीज हो रहा है. 2,64,000 डिवाइडेड बाय 10,32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है हमारा 25.58. ये लीजिए, फटाफट से हो जाता है फिर आपका. तो ये है आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट, जहां पर हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट दोनों बनाना सीखा. हम फिर कह रही हूं 100% एक क्वेश्चन आएगा, या तो कंपेरेटिव आएगा या कॉमर्स आएगा, या दोनों आएंगे चॉइस में, तो आपको
डेफिनेटली इन्हें प्रिपेयर करना है, 4 मार्क्स स्कोर कर सिक्योर कर लीजिए आपके, कुछ नहीं करना है। कंपेरेटिव, देखिए कंपेरेटिव और कॉमन जब दोनों आते हैं ना पास हमारे सामने, तो हम लोग उल्टा पुल्टा कर जाते हैं, कंपेरेटिव को कॉमन और कॉमन को कंपेरेटिव कर जाते हैं। तो यहां से एक चीज देखिएगा, कंपेरेटिव अपने नाम से कह रहा है कंपेयर, आपको कंपेयर करना है, दो अमाउंट्स को कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो माइंड में एक ही चीज आएगी, या तो कुछ इंक्रीज हो गया या कुछ डिक्रीज हो गया, तो इंक्रीज और डिक्रीज, और फिर इमीडिएटली उस इंक्रीज और डिक्रीज को आपको क्या कर देना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। बस कंपेरेटिव अपने आप हो गया, कभी रॉन्ग नहीं होगा अगर आप उसके वर्ड को, उसके मीनिंग को, उसके नेम पर अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं।